दोस्तों, हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ को बैलेंस रख कर शरीर को बीमारियों से दूर रखने का अक्सर इलाज जो है वो है पानी और त्रिफला। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित सूतरिया। दोस्तों, हमारा शरीर आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, ये पांच तत्व से बना है। उसमें आप देखें तो ये शरीर आकाश से पूरी तरह कवरअप है, पृथ्वी से जुड़ा है। इसके अलावा शरीर में वायु से वात, अग्नि से पित्त और पानी से कफ बना रहता है। ये पंच तत्व में आकाश एवं पृथ्वी स्थिर है और वायु, अग्नि एवं जल हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ के रूप में अस्थिर है। हमारी अवस्था और स्थान के संदर्भ में देखें तो बच्चों को कफ होता है और कफ का स्थान सिर से लेकर कंधे तक है। युवा को पित्त होता है और पित्त का स्थान कंधे से लेकर नाभि तक का है। वयस्क को वात होता है और वात का स्थान नाभि से लेकर पांव के पंजे तक होता है। वात, पित्त और कफ को तीनों मौसम के संदर्भ में देखें तो सर्दी में मौसम में वात होता है, जो हेमंत और शिशिर ऋतु में यानी 16 नवंबर से 15 मार्च तक का ये समय होता है। गर्मी के मौसम में पित्त होता है, जो वसंत और ग्रीष्म ऋतु में यानी 16 मार्च से 15 जुलाई तक का ये समय है। बारिश की ऋतु में कफ होता है, जो वर्षा और शरद ऋतु में यानी 16 जुलाई से 15 नवंबर तक का ये समय है। पंच तत्व में से किसी दो तत्व साथ होने से वात, पित्त या कफ प्रकृति बनती है। वायु और आकाश मिलने से वात होता है, ये रजोगुणी यानी काइनेटिक एनर्जी है। अग्नि और जल मिलने से पित्त होता है, ये सत्वगुणी यानी थर्मल एनर्जी है। जल और पृथ्वी मिलने से कफ होता है, ये तमोगुणी यानी पोटेंशियल एनर्जी है। वात, पित्त और कफ ये तीनों की सात प्रकार की प्रकृति होती है। उसमें आप देखें तो एक है वात, दूसरा पित्त, तीसरा कफ, चौथा वात और पित्त दोनों, पांचवा पित्त और कफ दोनों, छठा वात और कफ दोनों, सातवा वात, पित्त और कफ, ये तीनों मिलकर त्रिदोष होते हैं। वात, पित्त और कफ से बने मानव शरीर का स्वास्थ्य ये त्रिदोष पर आधारित है। आप सामान्य से देखें तो वायु के दूषित होने से शरीर में 80 प्रकार के वात जनित रोग होते हैं। अग्नि दूषित होने से 40 प्रकार के पित्त जनित रोग होते हैं। पानी दूषित होने से 28 प्रकार का कफ जनित रोग होते हैं। और जब ये तीनों खराब हो जाता है तो त्रिदोष के कारण 148 यानी 148 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। और अगर समय पर इलाज न किया जाए तो स्तनपात होता है, जो ये मौत का कारण बनता है। वात, पित्त और कफ ये तीन यानी त्रिदोष संतुलित है तो कोई भी बीमारी हमसे दूर रहेगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाने और पीने के एकदम आसान दो नियम हैं। पीने के लिए कभी भी ठंडा पानी न पिए। सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुने पानी पिए। पानी हमेशा बैठकर और सिप सिप करके पिए। भोजन से पहले, दौरान या तुरंत बाद पानी न पिए। भोजन से पहले आधा घंटा और भोजन के बाद एक घंटा, वो पानी का वो नियम बनाए। पानी के ये चार नियम से त्रिदोष संतुलित हो जाएगा। खाने के लिए देखें तो त्रिफला सबसे अक्सर है। उसके अलावा त्रिकटु चूर्ण भी है और रसायन चूर्ण भी है। चूर्ण के लिए हरड़े, बहेड़ा और आंवला मिक्स खाने से त्रिदोष संतुलित हो जाता है। त्रिफला के लिए हमारे सुरसुत जी ने लिखा है कि हरड़े, बहेड़ा और आंवला ये तीनों फल वात, पित्त और कफ यानी त्रिदोष बैलेंस करता है। ये तीनों फल आमली, कषाय, तिक्त और मधुर ऐसे चार रसों से भरपूर है। हरड़े, बहेड़ा और आंवला ये तीनों फल सम अनुपात से लेकर अलग अलग अनुपात में मिलाकर त्रिफला बनती है और ये त्रिफला वात, पित्त और कफ
तीनों दोष जैसे हम त्रिदोष कहते हैं उसको बैलेंस करती है। वैसे तो हरड़े और आंवला ये दोनों अकेले तीनों दोषों को दूर करते हैं, खास करके हरड़े वात पर, बहेड़ा कफ पर और आंवला पित्त पर काम करता है। लेकिन तीनों मिलकर त्रिफला बनती है तब तीनों फल वात, पित्त और कफ तीनों दोष बैलेंस करते हैं। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति के लिए वात, पित्त और कफ यानी त्रिदोष जो संतुलित करने के लिए त्रिफला सबसे प्रभावी उपाय है। सुश्रुत जी कहते हैं कि त्रिफला चूर्ण एक तिहाई घी में रोजाना खाने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और स्फूर्ति बढ़कर यौवन बरकरार रहता है। फिर भी बीमारी को देखकर तीनों फल का अलग अलग अनुपात होता है, जैसे कि एसिडिटी, कब्ज, मोटापा समेत वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस करने के अलावा कई बीमारी ठीक करने के लिए हरड़े, बहेड़ा और आंवला को क्रम जैसे 1-2-3 ऐसे अनुपात में, और ये जो कैंसर है उसका जो हम रेडिएशन देते हैं ऐसी बीमारी पर ये तीनों को एक 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 के अनुपात में मिलाकर वो लेना चाहिए। और बीमारी के मुताबिक सेवन का समय एवं प्रमाण माप भी अलग अलग होता है। जैसे कि सुबह नाश्ते से 40 मिनट पहले एक बड़ा चम्मच त्रिफला को देसी गुड़ या शहद के साथ लेना पोषक तत्व के रूप में काम करता है। सुबह इसका सेवन करने से शरीर के लिए जरूरी विटामिन और रासायनिक पोषक तत्व मिलते हैं, और कफ ये जो मेद एवं चर्बी को दूर करता है। रात को भोजन के बाद दूध या गुनगुने पानी में छोटा चम्मच त्रिफला रेचक के रूप में काम करता है। इसे रात के समय लेने से पुरानी कब्ज दूर हो जाती है और पेट साफ होकर एसिडिटी दूर होती है। बड़े शरीर वाले लोग खाली पेट त्रिफला ले सकते हैं, लेकिन मध्यम या पतले शरीर वाले लोग जो ये भोजन के बाद ही त्रिफला ले वो ठीक है। अगर आपको किसी बीमारी के दौरान लंबे समय तक त्रिफला लेने की ज़रूरत महसूस हो तो इसे लगातार 3 महीने तक लेकर 20 दिन के लिए गैप छोड़ दे। ये सभी आयुर्वेद की जो भी जो दवाई है वो सब वैसा ही करना चाहिए। वैसे तो ये त्रिफला की तरह तीन औषधि मिलाकर और एक चूर्ण बनता है, वो है त्रिकटु चूर्ण, पिपरी मूल हम उसे गंठौड़ा बोलते हैं, सूठ और काली मिर्च तीनों पाउडर को समान रूप से मिलाकर चूर्ण बनता है। युवाओं को 1 स्पून और बूढ़े या बच्चों को 0.5 स्पून चूर्ण गाय के घी में मिलाकर खाली पेट लेना है। यह चूर्ण वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। उसके अलावा अगर छाती में गैस भर गई है या भ्रम की स्थिति है तो इसका इलाज के लिए ये बहुत उपयोगी है। इसके अलावा और एक चूर्ण है, वो है रसायन चूर्ण। ये रसायन चूर्ण जो है वो गिलोय, गोखरू और आंवला मिलाकर बनता है। ये चूर्ण सुबह और शाम खाली पेट वो ले सकते हैं। बच्चों के लिए 1.5 स्पून आधी चम्मच और बड़ों के लिए 1 स्पून वो लेना चाहिए। दोस्तों मेरी ये YouTube वीडियो पर कमेंट करें, उसे लाइक करें, अगर ये बातें ठीक लगी तो उसे शेयर करें और दोस्तों उसे सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरा ये लाइफस्टाइल से जुड़ा वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।